बाबूलाल नौकरी की तलाश में गांव से मुंबई शहर में आता है। वो नौकरी के लिए बहुत भटकता है, पर उसको कहीं भी नौकरी नहीं मिलती है और दिन भर धूप में भटकने की वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। सोचा था मुंबई आकर कुछ काम करूंगा, पर यहाँ तो आते ही मेरी तबीयत ही खराब हो गई है। लगता है शहर की हवा मुझे सूट ही नहीं कर रही है। अब तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ेगा। बाबूलाल डॉक्टर के पास जाता है तो देखता है कि वहाँ बहुत भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चलता है कि सभी लोग बाहर का खाना खाने से बीमार पड़ गए हैं। ये देखकर बाबूलाल के मन में एक विचार आता है। अच्छा तो ये बात है, क्यों ना मैं इन लोगों को खाना बना कर दूं, जिससे मुझे भी काम मिल जाएगा और इन लोगों को खाना। बाबूलाल डॉक्टर से अपने लिए दवाई लेता है और अपने घर आकर टिफिन सर्विस शुरू करने की तैयारी करता है। सबसे पहले जाकर वो किराने की दुकान से राशन खरीदता है। उसके बाद वो बर्तन वाले की दुकान से जाकर बहुत सारे टिफिन खरीदता है और खाना बनाना शुरू कर देता है। अच्छे से खाना पकाऊंगा, तभी तो लोगों को मेरे हाथ का खाना पसंद आएगा, और साथ ही मुझे सफाई का विशेष ध्यान रखना होगा, तभी तो लोग स्वस्थ भी रहेंगे। बाबूलाल साफ सुथरे तरीके से खाना बनाता है और लोगों के घर घर जाकर टिफिन देता है। सभी को उसके हाथ का खाना बहुत पसंद आता है, इसलिए उसको और भी कई लोग टिफिन देने के लिए बोलते हैं। अरे वाह, मैंने जितना सोचा था ये काम तो उससे भी अच्छा चल रहा है। अब तो मन लगाकर काम करना पड़ेगा, तभी जाकर ज्यादा लोगों को टिफिन पहुंचा सकता हूँ। बाबूलाल बहुत मेहनत करता है, पर फिर भी वो ज्यादा लोगों तक टिफिन नहीं पहुंचा पाता, क्योंकि एक तो वो अकेला ही सारा काम करता है, राशन लाना, खाना पकाना और टिफिन पहुंचाना। वो देखता है कि बहुत से लोग सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए बस की लाइन में लगे हुए हैं। इन्हें देखकर नहीं लगता कि ये सभी लोग ऑफिस के चक्कर में नाश्ता भी ठीक से करते होंगे। अगर इनको बस में जाते जाते नाश्ता मिल जाए तो ये लोग ऑफिस भी टाइम पर पहुंच जाएंगे और भूखे भी नहीं रहेंगे। बाबूलाल एक बस रेस्टोरेंट खोलने की सोचता है। इसके लिए वो गांव से अपनी पत्नी और छोटे भाई को शहर बुलाता है और टिफिन सर्विस से कमाए पैसों से एक दो मंजिला बस खरीदता है। अब मेरे इलाके में कोई भी भूखा नहीं रहेगा, मैं सभी लोगों को नाश्ता करवा कर ही ऑफिस भेजूंगा। चलो आज से ही काम शुरू कर देता हूँ, शुभ काम में देरी क्यों करनी। अब बाबूलाल, उसकी पत्नी और भाई मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करते हैं। देखो मुझे गाड़ी चलानी तो आती ही है, इसीलिए मैं बस चलाऊंगा। मेरे हाथ का खाना एक बार कोई खाएगा तो दोबारा कहीं और खाना खाने जाएगा ही नहीं। हाँ हाँ, साफ साफ बोलो ना कि खाना तुम बनाओगी, इतना घुमा फिरा कर बोलने की क्या जरूरत है। मैं तो ना खाना बनाना जानता हूँ और ना गाड़ी चलाना, मैं क्या काम करूँगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं नहीं आऊंगा शहर, देखा मेरे आने का कोई मतलब ही नहीं रहा। कोई जरूरी है कि तुम्हें बस चलाना और खाना बनाना आए? अगर तुम चाहो तो हमारे इस बस रेस्टोरेंट में हमारी मदद कर सकते हो, तुम कुछ और काम भी कर सकते हो। और काम क्या रहेगा, दोनों काम के लिए आप दोनों तो हो ही ना। खाना देने वाला भी तो कोई चाहिए ना, और जिनको खाना दोगे उनसे पैसे लेने के लिए भी तो आदमी की जरूरत पड़ेगी ना, या वो काम अपने आप ही हो जाएगा। ठीक है फिर, मैं वेटर और बस कंडक्टर का काम कर लूंगा। लो ये हुई ना बात, अब तो नहीं कहोगे ना कि तुम्हारे शहर आने का कोई मतलब नहीं निकला। नहीं अब नहीं कहूंगा, चलो आज एक डेमो लेकर देखते हैं। पर आज तो संडे है ना, आज कौन जाएगा ऑफिस। आज हम अपनी सभी चीजें बस में अच्छे से सेट कर देंगे ताकि कल हमें सुबह सुबह ज्यादा दिक्कत ना हो। मैं सोच रहा हूँ कि रेस्टोरेंट का सारा सेटअप हमारे ऊपर वाली मंजिल पर करना चाहिए, जिसको खाना खाना होगा वो ऊपर आ जाएगा और खाने के बाद नीचे आ जाएगा, जिससे बाकी यात्रियों को भी परेशानी नहीं होगी। हाँ ये ठीक रहेगा, किचन का पूरा सेटअप ऊपर ही कर लेते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में मिक्स ना हो। तीनों मिलकर बस में रेस्टोरेंट बनाने की तैयारी करने लगे। उन्होंने अपने सारे बर्तन
और कुछ कुर्सियों के साथ कुछ मेज भी बस में रख दिए। ये लोग ऊपर वाले मंजिल पर सभी चीजें व्यवस्थित कर लेते हैं। ये हुआ ना सेटअप। अब देखना, कल सुबह से ही हम लोग अपनी सर्विस शुरू कर देंगे। पर इसके लिए लोगों को हमारे बस रेस्टोरेंट के बारे में पता भी तो होना चाहिए। हमें एक बड़ा सा बोर्ड बस के आगे लगाना होगा। अब बाबूलाल दुकान से एक बड़ा सा बोर्ड बनवा कर लाता है, जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ है बाबू बस रेस्टोरेंट। वो उस बोर्ड को बस के आगे टांग देता है और अब सभी लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं। सुबह होती है पर कोई भी उनके बस रेस्टोरेंट में नहीं आता। ये देखकर सभी लोग निराश हो जाते हैं। ये क्या भैया, हमारे बस में तो कोई भी नहीं आ रहा है, अब क्या करें? करना क्या है, जाकर लोगों को बुलाना पड़ेगा। अब बाबूलाल और श्यामलाल दोनों मिलकर अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को बताने लगते हैं। देखिए भाई साहब, यहाँ पर भीड़ में बस का इंतजार करने से अच्छा है आप हमारी बस में बैठ जाइए। वहाँ आपको नाश्ता भी मिलेगा और आपको आपके ऑफिस भी पहुँचा देंगे। अच्छा, ऐसी कौन सी बस है जिसमें नाश्ता भी मिलने लगा है? बस रेस्टोरेंट है, आप चलिए तो सही, आपको सब पता चल जाएगा। वो आदमी अपने साथ अपने कई दोस्तों को लेकर बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में आता है। बाबूलाल की पत्नी सभी के लिए नाश्ता बनाती है, जो कि सभी को बहुत पसंद आता है। ये तो बहुत अच्छी सुविधा दी है आपने भाई साहब। ऑफिस के ऑफिस पहुंचना भी हो जाता है और साथ में खाना भी हो जाता है। हाँ, सुविधा तो अच्छी है, पर उसके बाद भी हमारी बस में कोई आ नहीं रहा है। क्योंकि आपके इस बस रेस्टोरेंट के बारे में लोगों को पता नहीं है, इसीलिए कोई नहीं आ रहा। जब पता चलेगा तो लोग जरूर आएंगे। अब आप ही देखो ना, जब आपने मुझे बताया तभी तो मुझे इसके बारे में पता चला। मैंने इतना बड़ा बोर्ड तो लगाया हुआ है, अब और कैसे बताऊं लोगों को अपने बस रेस्टोरेंट के बारे में? बोर्ड तो लगा दिया, पर उसे कोई तभी देखेगा ना जब बस के पास आएगा। कुछ ऐसा करो कि बस के पास आए बिना भी लोगों को आपकी बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाए, जैसा कि तुम चाहते हो। हाँ, ये सही रहेगा। अब बाबूलाल बहुत सारे पैम्पलेट छपवाता है और जगह जगह जाकर उनको बांटने लगता है। वो बस स्टैंड में लाइन में लगे लोगों को भी देता है। इसके अलावा वो घर घर जाकर भी लोगों को ये पैम्पलेट्स बांट देता है, जिससे अब सभी लोगों को उसके बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल जाता है और उसके बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लग जाती है। अरे भाई, जरा आराम से चढ़ो, बस भागेगी नहीं आपको छोड़कर। सभी लोग ठीक से बैठ जाइए। श्यामलाल सभी के टिकट्स काटता है और खाने के ऑर्डर्स लेता है। बाबूलाल की बीवी खाना बनाती है। हम चारों के लिए एक एक आलू पराठा बना दीजिए। ठीक है मैडम, अभी लाता हूँ। बहुत सारे लोग ऊपरी मंजिल पर खाना खा रहे हैं और बहुत सारे लोग नीचे बैठकर सफर कर रहे हैं। ये लीजिए मैडम, आपके पराठे और ये हमारे रेस्टोरेंट का टेस्टी अचार। थैंक यू भैया। जैसे जैसे समय बीतता है, बाबूलाल के बस रेस्टोरेंट में लोगों की भीड़ लगने लगती है। अब सभी लोगों को इस बस रेस्टोरेंट के बारे में पता चल गया है, इसीलिए सभी लोग इससे सफर करना पसंद करते हैं। और देखते ही देखते बाबूलाल को शहर में सभी लोग जानने लगते हैं और वो बहुत पैसे कमा कर यहाँ पर अपना एक सुंदर सा घर खरीद लेता है। ये कहानी है छतरपुर गांव की, जहाँ करिया अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। छतरपुर में बारिश ना होने की वजह से जमीनें सूख सी गई थी, जिसके कारण खेतों में अनाज पैदा नहीं होता था और इस वजह से करिया अपनी पत्नी से झगड़ा किया करता था। ये क्या, आज भी सिर्फ चावल खाने में, मैं कब खाऊंगा अच्छा खाना? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। बड़े आए अच्छा खाना खाने वाले, अगर मैं पैसे ना बचाऊं तो चावल भी नसीब ना हो। नसीब नसीब, बस सब नसीब का कमाल है। तुम्हारा बस नाम ही प्रेमा रखा है माँ बाप ने, प्रेम तो दूर दूर तक नहीं है। चुपचाप खाना खा रहे हो या मैं तुम्हें खिलाऊं? तुम्हारे कड़वे वचन सुनकर ही मेरा पेट भर चुका है, मैं जा रहा हूँ, नहीं खाना मुझे ये सब। करिया प्रेमा से झगड़ा करके वहाँ से चला गया और जाकर अपने खेत में हल चलाने लगा। कड़ी धूप में परिश्रम करने के बाद उसे नंदू पहलवान नजर आया। अरे नंदू भाई,
आज कहाँ से पहलवानी करके आ रहे हो? बड़े मुस्कुरा रहे हो, जरूर जीत कर आए हो। पहलवानी तो नहीं, बस ये एक मैं आम लेकर आया हूँ यही गंदे नाले के पास से। क्या कहा, गंदे नाले के पास से? वहाँ आम कैसे मिल सकता है? क्यों नहीं मिल सकता, मैं ये लेकर तो आया हूँ, जाओ तुम भी ले लो। नंदू सोचने लगा और वहाँ उस गंदे नाले के पास चला गया। ये पहलवान जरूर पागल हो चुका है मोटी बुद्धि का, इसे क्या पता कि गंदे नाले के आसपास भी कोई नहीं भटकता, और ये पता नहीं कहाँ से आम लेकर आ रहा है। मुझे जाकर एक बार देखना चाहिए। करिया उस गंदे नाले के पास चला जाता है और वहाँ की बदबू से हैरान होकर वो सोचने लगता है, यार यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा, ये नंदू बुड़बक को किसने आम दे दिया? मुझे यहाँ से चलना चाहिए, लगता है वो मुझे बेवकूफ बना गया। जैसे ही करिया वहाँ से जाने लगा, उसे उसी नाले के पास से गांव के भिखारी ने आवाज दी, क्यों बे, आम लेने आया है? कौन हो तुम और बदतमीजी से बात क्यों कर रहे हो? मैंने ही उस पहलवान को आम दिया था, मैं कोई ऐसा वैसा भिखारी नहीं हूँ। अगर तुम मुझे मक्के की रोटी खिलाओगे तो मैं तुम्हें मुंह मांगी चीज दूंगा। मेरे पास चावल खाने के पैसे नहीं है और तुम मक्के की रोटी मांग रहे हो, तो तुम्हारी हालत मुझसे भी खराब है लगता है। भिखारी के इतना कहते ही करिया को क्रोध आने लगा और तब करिया ने भिखारी से कहा, तुम इतना कैसे बोल लेते हो, चलो मैं तुम्हें तुम्हारी मन पसंद मक्के की रोटी खिलाता हूँ। करिया उस भिखारी को लेकर एक छोटे से ढाबे पर गया और वहाँ जाकर उसे मक्के की रोटी खिलाने लगा। वाह वाह, मक्के की रोटी, वाह वाह, मक्के की रोटी, सरसों दा साग, चले की जिंदगी बिल्कुल भाग भाग, वाह वाह, देखा तुमने, मैं तो गायक भी हूँ। वो सब छोड़ो, खाना खाओ, मुझे और भी बहुत काम है। करिया ने उसे मक्के की रोटी और सरसों का साग खिलाया और उससे कहा, तुमने उस पहलवान को आम दिया था, तुम मुझे क्या देने वाले हो? इमली, मैं तुम्हें इमली देने वाला हूँ। इस इमली को अपनी पत्नी के साथ खाकर तुम इसके बीज को गंदे नाली के पानी के पास बो देना और जादू देखना। इतना कहकर भिखारी वहाँ से चला गया, लेकिन करिया उस इमली को देखकर सोचने लगा, ये कैसी इमली है, कहीं ये मुझे पागल तो नहीं बना गया? उधार में मक्के की रोटी और सरसों का साग भी खा गया और आम की जगह दे भी गया तो क्या ये इमली। करिया उस इमली को लेकर अपने घर चला गया और अपनी पत्नी प्रेमा को देकर कहने लगा, भाग्यवान ये इमली ले लो, इसका कुछ बना देना या खा लेना। इमली की कौन सी सब्जी बनती है भला, इसे हमें खाना ही होगा ना। हाँ खा जरूर लेना, और ध्यान रखना इसके बीज मुझे दे देना, मैं इसको बो दूंगा। खेतों में कुछ बोना हो तो मुंह फूल जाता है और तुम चले इमली बोने के लिए, वाह इतने मेहनती कब से हो गए हुँ? लो अब तुम्हारा झगड़ा शुरू, चलो जाओ घर के काम करो। प्रेमा ने इमली खा लिए और उसके बीज को करिया को थमा दिया। करिया उस गंदे नाले के पास फिर से चला गया और वहाँ जाकर उस इमली के बीज को बोने लगा ठीक नाले के पास। ये हो गया इमली बोने का काम पूरा, कल सुबह आकर देखता हूँ ये कितना बड़ा पेड़ बनेगा। दूसरे दिन सुबह करिया उस इमली के पेड़ के पास गया और वहाँ जाकर दंग रह गया। इमली का पेड़ एक ही दिन में बहुत बड़ा बन गया था, जिसमें खूब सारे इमली भरे हुए थे, जिसे देखकर वो सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है भला, कल ही मैंने बीज बोए थे और आज इमली का पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया? जरूर कोई ना कोई बात तो है और इस पर इतनी सारी इमलियाँ नजर आ रही हैं, मुझे इमली तोड़ने होंगे। करिया उस इमली के पेड़ से इमली तोड़ने लगा और जैसे ही इमली करिया ने तोड़ी, उसमें से हीरे निकलने लगे। इमली के टूटते ही हीरों की बौछार होने लगी, छोटे छोटे कीमती हीरे। उन हीरों को देखकर करिया चौंक गया, ये हीरे कैसे हो सकते हैं? हाय मैं माला माल हो गया, कमाल हो गया, हाय यकीन नहीं हो रहा मुझे। उन इमली और हीरो को लेकर करिया उसी भिखारी को ढूंढने लगा जो कि एक मंदिर के बाहर आराम कर रहा था। क्यों आ गए ना चौंक कर मेरे पास, लेकिन ये कैसे हो सकता है, इमली के पेड़ से हीरे कैसे निकल सकते हैं? तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, आखिर तुम हो कौन? अरे बाबा मैं हूँ तो साधारण इंसान ही, तुम्हें और भी हीरे चाहिए हो तो उस गंदे नाले को साफ करो, उस नाले को साफ करके ही मैंने इतना पुण्य कमाया है जिसका मैंने तुम्हें थोड़ा सा हिस्सा बांट दिया।
मैं उस नाले की आज ही सफाई करूंगा और अच्छे से करूंगा और सारे हीरे ले जाऊंगा। करिया सारे हीरे और इमली ले जाकर अपनी पत्नी प्रेमा को दे देता है और प्रेमा से कहता है, अब से हमें किसी भी चीज से डरने की या तरसने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास अब सब कुछ है। हे भगवान, मुझे नहीं पता था कि मेरे इमली के बीज को खाकर फेंकने से इतने हीरे मिल जाएंगे। बचपन से लेकर अब तक करोड़ों का नुकसान हो गया। वो कैसे भाग्यवान, मैं समझा नहीं। मैंने कितने सारे आम और इमली के बीज खाकर बस ऐसे ही फेंक दिए। दोनों हंसने लगते हैं और अपनी जिंदगी उस हीरे की मदद से अच्छी कर लेते हैं। पूरे एक साल बीत जाने के बाद जब उनके पास हीरे और पैसे नहीं बचते, तब प्रेमा करिया से कहती है, क्यों ना हम दोबारा वहाँ चले उस नाले के पास। हमारे पैसे भी अब खत्म हो चुके हैं। हम उस गंदे नाले की सफाई करेंगे, पूरी तरह से सफाई, और सारे हीरे दोबारा हासिल कर लेंगे। लेकिन लोग क्या कहेंगे कि करिया और उसकी पत्नी उस नाले की सफाई करने जा रहे हैं। छी छी, मैं नहीं करूंगा ये सब। जी, आपको मेरी कसम। करिया और प्रेमा दोनों ही उस नाले की सफाई करने लगते हैं। लोगों का गिराया हुआ प्लास्टिक कचरा उस नाले में जमा हुआ होता है। वहाँ जाकर पूरे एक महीने तक सफाई करते हैं, लेकिन उन्हें कुछ भी हासिल नहीं होता, जिससे दोनों चिंतित हो जाते हैं। यहाँ तो हमें अब कुछ नहीं मिल रहा। सारी जमीन जायदाद घर सब बेचना पड़ जाएगा हमें, अगर आज भी हीरे नहीं मिले तो। मैंने तुमसे कहा था ना कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक ना सुनी। लो देखो, हो गया ना। करिया और प्रेमा ने नाले को पूरी तरह से साफ कर दिया था। जैसे ही वो वहाँ से जाने लगे, करिया की नजर नाले के पानी पर पड़ी और उसने देखा कि नाले के पानी में हीरे तैर रहे हैं। सारे हीरे नाले के पानी के ऊपर आ रहे हैं, जिसे देखकर दोनों झूम उठे। हुर्रे, हीरे मिल गए। हुर्रे, मैंने कहा था ना तुमसे कि हीरे मिल जाएंगे। देखो, हो गया ना। हमने थोड़ी सी प्रकृति क्या साफ की, हमारी जिंदगी बदल गई। अब से हम इन हीरो से मिले पैसों को दान करेंगे और अपना जीवन जिएंगे। तुमने सही कहा, हमने भूखमरी देखी है, हम ऐसा ही करेंगे। प्रेमा और करिया दोनों ही उस हीरे के नाले की मदद से खुश रहने लगे और लोगों की सेवा करने लगे और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगे।